हेलो माय लवली, सो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे एकदम बढ़िया। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग इस स्मिटन के पार्सल की। तो ये एक स्मिटन रेफरल हॉल होने वाला है एंड मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैंने इसमें 24 प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लिए हैं। 60 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस तो हमें देनी ही होती है। जब मैंने पार्सल में यहाँ पर 24 क्वान्टिटी देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लिए। तो बिना किसी देरी के जल्दी से ओपन करते हैं इस पार्सल को एंड देखते हैं कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। एंड इस बार मैंने काफ़ी न्यू प्रोडक्ट्स भी ऐड किए हैं, तो आप लोगों की भी एक हेल्प हो जाएगी कि आपको अपने हार्ड अर्नड स्मिटन बक्स जो है वो इन प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं। तो इस पूरे ही पार्सल का हमने पे किया है 2998 स्मिटन बक्स प्लस 60 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस। तो यहाँ पर अब आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, पूरे बॉक्स में खचाखच भरे हुए हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि है ये स्मिटन की नीम वुडन कोम्ब। और इससे मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, लुक वाइज ये इमेज में काफ़ी अच्छी लग रही थी। इससे पहले भी मैंने स्मिटन के ट्रायल वगैरह ऑर्डर्स में स्मिटन की यही वाली नीम कोम जो है दूसरी वाली वो ऑर्डर की हुई है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वालिटी की थी। ये वाली मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है फिनिशिंग वाइज। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, डेंट वगैरह स्क्रैचेस वगैरह नज़र आ रहे हैं, बट ओवरऑल 99 बक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है। एंड नीम वुडन कोम की प्रॉब्लम ही यही होती है कि ये अगर गिर विर जाती है तो फिर टूट जाती है। तो ओवरऑल मुझे अच्छी लगी 99 बक्स के हिसाब से। इसके अलावा भी काफ़ी सारी वुडन कोम वहाँ पर अवेलेबल है, बट उसमें से कोई भी मत लेना, जो 99 बक्स वाली है ये वाली हैंडल वाली ये काफ़ी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है द लव को का टी ट्री पेपरमिंट बॉडी वॉश। इसके लिए मैंने पे किया है 199 स्मिटन बक्स और इसमें हमें 250 ml की क्वांटिटी मिल रही है जो कि काफ़ी ह्यूज है। इसमें आपको अगर मैं MRP की बात करूँ तो MRP है इसकी 349 रुपीज़। यहाँ पर अगर दिख पाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, 349 रुपीज़ MRP है। एक्सपायरी भी बिल्कुल नियर नहीं है, 2025 की एक्सपायरी है। तो हमें काफ़ी सही प्रोडक्ट मिला है एंड इसको यूज़ करने के बाद मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी। वैसे तो मैंने इसकी फ्रेग्रेंस स्मेल की है, काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जस्ट हर्ब का नरिशिंग लिप एंड चीक टिंट, जो कि अगर MRP के हिसाब से देखेंगे तो आई गेस 649 या 699 रुपीज़ का होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे सिर्फ और सिर्फ 600 स्मिटन बक्स देकर कॉम्बो में ऑर्डर किया है। मतलब इसके अलावा एक और दूसरा शेड भी है जो कि मैंने दो ऑर्डर किए थे। तो आपको स्मिटन रेफरल सेक्शन में एक सिंगल यही वाला सेम लिप एंड चीक टिंट मिलेगा जो कि 400 बक्स में है एंड एक मिल जाएगा 600 स्मिटन बक्स में। तो मैंने ये कॉम्बो वाला ऐड किया था क्योंकि 600 में आपको दो मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है 400 में एक लेने से अच्छा। तो इसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है, ये 04 मोहगनी वाला शेड है और मैं ऑलरेडी इसे यूज़ करते आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी फॉर्मुलेशन। आप एज अ ब्लश एज अ लिप टिंट इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। एंड जैसा कि मैंने बताया कि 600 बक्स में वहाँ पर कॉम्बो में अवेलेबल था, तो पहला वाला जो शेड है वो 04 मोहगनी वाला शेड था और ये दूसरा शेड है 07 रोज कोरल। दोनों ही शेड बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं एंड मेरे पास ऑलरेडी ये शेड्स हैं बट मेरे पास फिनिश होने वाले हैं इसलिए मैंने बैकअप के लिए इसे ऑर्डर कर लिया। बहुत ही अच्छी फॉर्मुलेशन है इसकी, बट प्राइस पॉइंट से अगर देखा जाए MRP के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इतना एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए बट ब्रांड की मर्जी, बट स्मिटन में बहुत कम प्राइस में मिल जाता है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड गर्लिश वाइब दे रहा है हमें। इसकी आउटर पैकेजिंग प्लास्टिक की है जो कि डिसेंट सा प्लास्टिक है, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, बट जो एक्चुअल प्रोडक्ट है हमारा ये फेस मसाजर, ये एक इलेक्ट्रिक फेस मसाजर है जिसमें पीछे चार्जिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा एंड यहाँ पर सेंटर में जो बटन है उसे प्रेस करने पर ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। नीचे एक पर्पल कलर की लाइट चालू हो जाती है एंड वापस से इसी बटन को प्रेस करने पर ये बंद हो जाता है। प्लस एंड माइनस का जो साइन आपको नज़र आ रहा है इसके थ्रू आप अपने वाइब्रेशन की इंटेंसिटी बढ़ा और कम कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करने के लिए आपको इसे चाहे तो आप पानी या फिर फेस वॉश करते हो या फिर कोई फेस मास्क लगा के अप्लाई करते हो तो उसके दौरान इसे यूज़ किया जा सकता है। इन्होंने 2 साल की इसमें वारंटी भी दी है और चार्ज एक बार करके 5 महीने तक इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा सारा क्लेम किया हुआ है। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि ये कैसा क्या वर्क करता है, बट इसके सिलिकॉनी ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं एंड इसमें आपको इसी के नीचे बॉक्स
इसमें ओपन करके देखेंगे तो नीचे एक छोटी सी यूएसबी केबल मिल जाएगी जिसके थ्रू आप इसे चार्ज कर सकते हैं। आपको एडाप्टर में लगाना होगा दूसरी साइड से एंड एक साइड से आप इस तरीके से अप्लाई करके इसे चार्ज कर सकते हैं। एंड इन्होंने तो मेंशन किया ही है कि एक बार चार्ज करो और 5 महीने के लिए भूल जाओ, तो पता नहीं ये कितना वर्क करता है, चाइनीज माल है, आई डोंट नो। तो इसके लिए मैंने 400 स्मिटन बक्स पे किया है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं जो कि मैंने मंगाया है 3-3 क्वांटिटी में एंड आई एम इन लव विद दिस परफ्यूम। तो ये है फ्रेग्रेंस एंड बियॉन्ड का वेलवेट ऊद परफ्यूम जिसकी MRP आप देख सकते हैं 499 रुपीज़ है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग 2022 की है बट एक्सपायरी 2025 की है, तो बिल्कुल एक्सपायरी की टेंशन नहीं है। एंड बेसिकली ये मेंस परफ्यूम है बट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है इसकी फ्रेग्रेंस। इसमें 499 रुपीज मेंशन है और 30 ml की क्वांटिटी हमें मिलती है। इनर पैकेजिंग ग्लास की सिंपल सी बॉटल है, बहुत ज्यादा फैंसी नहीं है। इसका कैप बहुत ज्यादा सॉलिड है, मतलब फ्रेग्रेंस की बात करें वो तो सॉलिड है ही बट कैप भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। स्प्रेयर भी काफ़ी अच्छा है एंड इसी का मैंने एक नूई इंटेंस वाला वेरिएंट है वो भी ट्राई किया, वो इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, उसकी खुशबू भी बहुत ओके सी थी बट दिस वन इज़ अमेजिंग। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आई, सुपर लॉन्ग लास्टिंग लगी। अगर आउटडोर नहीं जा रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा लास्ट करेगा बट अगर आउटडोर जा रहे हो तो फिर ये मतलब 5-6 घंटे आपके कपड़ों पर टिका रहेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट अगेन मेरा फेवरेट परफ्यूम ड्रीम वाला लिबर्टी लाइफस्टाइल का, और ये पॉकेट परफ्यूम वहाँ पर अवेलेबल होता ही है, कभी ज़्यादा बक्स में होता है कभी कम बक्स में होता है, तो मैं इसे एक ना एक ऐड कर ही लेती हूँ। आपने देखा ही होगा मेरे बक्स हॉल में, काफ़ी बार मैंने इसे ऑर्डर किया है एंड एक बार तो मेरे साथ फ्रॉड भी हो चुका है, कम्प्लीटली खाली बॉटल एंड बिना कैप के मुझे ये ही सेम परफ्यूम रिसीव हुआ था। कंप्लेंट करने पर भी कुछ नहीं हुआ था। वो वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं अटैच कर दूंगी। अब इस पूरे पैकेट के अंदर क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, असली भंडार इसी के अंदर है छोटा छोटा वाला। तो ये सब कुछ इतने प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करके, मतलब 3-3 क्वांटिटी, 1-1, 2-2 क्वांटिटी में ऐड करके ऑर्डर कर लिए थे। तो मोस्टली इसमें प्लम के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये है प्लम का टोनर, ये आई गेस मैंने 47 स्मिटन बक्स में लिया था, ये मैंने एक ही ऐड किया था। देन सेटाफिल के ये ऑयली स्किन क्लेंजर है, ये मैंने 3 क्वांटिटी में ऐड किए थे। जितने भी बक्स के होंगे वो मैं स्क्रीन पर मैंशन करते जाऊँगी। देन है ये प्लम का पोर क्लिनजिंग फेस वॉश ग्रीन टी वाला, तो ये भी मैंने 3 क्वांटिटी में ऐड किया था। नेक्स्ट हमने ऐड किया था आई गेस प्लम की ये SPF 35 वाली सनस्क्रीन, तो ये मैंने 2 क्वांटिटी में ऐड किया है। देन है ये प्लम का ही ग्रीन टी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र, ये फ्रेग्रेंस फ्री वेरिएंट है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं ऑयली एक्ने प्रोन वाले। देन है ये प्लम का कैमोमाइल एंड वाइट टी शीयर मैट डे क्रीम, तो वो दोनों डे क्रीम थी। एंड ये वाला जो है ये सेम वेरिएंट में ही फेस स्क्रब है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा प्लम का मैंने ये हवाईयन रुम्बा वाला छोटा सा बॉडी मिस्ट ऐड कर लिया है जिसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी लोगों को पसंद आती है, मुझे ठीक ठीक लगती है, बट वहाँ अवेलेबल था बहुत कम बक्स में तो मैंने ऐड कर लिया था। मुझे इससे ज़्यादा ट्रिप इन मिमोसा वाला जो वेरिएंट है वो अच्छा लगता है। एंड अगर आप अभी तक वीडियो पर बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। एंड आपका प्लम का फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? मुझे ट्रिप इन मिमोसा बहुत ज़्यादा पसंद है एंड उसके बाद मुझे वनीला वाइब्स भी अच्छा लगता है। आपका कौन सा फेवरेट बॉडी मिस्ट या फिर परफ्यूम है प्लम की तरफ से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज हॉल। उम्मीद करती हूँ यह हॉल आप लोगों को पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ये हयात।